देखिए फ्रेंड्स, ये एक कुकू क्लॉक है, AQ4187, जो कि ओरेवा ब्रांड की है, जो कि अजंता का ही एक ब्रांड है। और इसका जो लुक है बाहर से पैकेजिंग का, वो कुछ इस तरीके का है। और जो इसके अंदर जो क्लॉक है, वो उसका कुछ इस तरीके का है रहेगा। और चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या जो आइटम्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक जो क्लॉक है, ये इस तरीके का है। इसके अंदर एक ये घूमने वाला पैटर्न भी दिया है। इसके अंदर टोटल 7 सेल लगते हैं, टोटल 7 सेल लगते हैं, जिसमें से दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ और एक सेल यहाँ पर लगता है नीचे, जो कि इसको रोटेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ एक ये पेंडुलम दिया है, और ये दो इसके डेकोरेशन के लिए आइटम्स प्रोवाइड किए गए हैं। और ये इसका बैक का कवर है, जो कि लगाया जा सकता है। अब हम इसके कुकू के बारे में बता देते हैं आपको, एक बार डेमो दिखा के, जो कि किस तरीके से काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से वर्क करती है। इसमें एक, दो और तीन बटन यहाँ पे दिए गए हैं। ये वॉल्यूम का बटन है, ये टाइम सेट करने का बटन है, और ये रीसेट का बटन है। इससे आप कुकू क्लॉक का टाइम सेट कर सकते हैं। इस बटन को आप दबाएंगे तो कुकू क्लॉक रीसेट हो जाएगी, और ये जो रेड बटन है, इसको दबाने से कुकू क्लॉक एक एक घंटे के लिए आगे जाती जाएगी उसका टाइम। जब अगर आपको टाइम सेट करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम एक अलग से टाइम के लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आपको इसको दीवार पे असेंबल करके लगा के दिखाते हैं, असेंबल करके लगा के दिखाते हैं ये कैसा लगता है। कुछ लोगों की फ्रेंड्स शिकायत रहती है कि इसका जो पेंडुलम है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि जब आप इसको नई क्लॉक को परचेस करते हो, तो इसका जो पेंडुलम है वो यहाँ पर अटका हुआ आता है, यहाँ पर फिक्स आता है। जब आप इसको ऐसे यहाँ से हटाएंगे तब ये वर्क करेगा, जब तक आप इसको यहाँ से निकालेंगे नहीं, ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। और आपको इसका पेंडुलम मैं लगा के बताता हूँ कि ये इस तरीके से इसमें यहाँ पे लगाया जाता है। तो आप देखेंगे कि जब दीवार पे ये लगेगा तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका लुक कुछ इस तरीके का आता है। इसको कम्प्लीटली असेंबल करने के बाद, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। बट फ्रेंड्स, इसका बिल्ट क्वालिटी जो है वो एक कच्चे प्लास्टिक का है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा असेंबल करते वक्त। बहुत ज़्यादा मतलब फोर्सफुली इसको असेंबल नहीं कीजिएगा, टूटने का डर रहेगा। और फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है वो लगभग 2700 रुपये के करीब है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप परचेस करना चाहें तो उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी लोगों ने इस क्लॉक को मेरे घर में देखा है, सभी को ये बहुत पसंद आया है, सभी ने इसका बहुत तारीफ़ किया है। अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम ज़रूर उसका आपको रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा प्लीज़।